दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं बात करूंगा मारुति सुजुकी कंपनी की ब्रेजा एक्सयू के VXI वर्जन की कीमत नई आ गई है 2024 के अप्रैल मंथ में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी डिटेल बताऊंगा प्राइस की ऐसी आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इसका बेस प्राइस बताऊंगा, यानी कि सरकार आपको कितना GST कितना सेस लगाती है उसका अमाउंट भी बताऊंगा, और बेस प्राइस कितना कम होता है और एक्सरूम प्राइस पर आते आते कितना टैक्सेस लग जाता है, और इस पर आपको रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, RTO, MCD फीस, इंश्योरेंस सभी चार्जेस बताऊँगा, और ऑप्शनल चार्जेस में अगर आप इसका जीरो डैप प्रीमियम लेंगे तो क्या खर्चा बैठेगा। और दोस्तों मैं तीन बैंकों के फाइनेंस के प्लान लेके आ गया हूँ, SBI फाइनेंस, ICICI बैंक और HDFC बैंक के। तो आपको 7 साल, 5 साल और 3 साल के फाइनेंस के प्लान देखने को मिलेंगे, और 15% की डाउन पेमेंट हम रखेंगे एक्सोरूम प्राइस पर। तो आइए पहले जानते हैं दोस्तों इस गाड़ी का कैश प्राइस आपको क्या पड़ता है। तो मारुति सुजुकी ब्रेजा जो कि हमने इसके VXI वर्जन लिया है, जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है, और बात करेंगे दिल्ली के प्राइस के बारे में, तो दिल्ली में इसकी बेस प्राइस आपको पड़ेगी 6,65,167 रुपये। GST 28% और 1% सेस लगाने पर इसकी कीमत निकल के आती है 2,99,333 रुपये। दोस्तों ये टैक्स हैं, और एक्सोरूम प्राइस फिर आपकी बनती है GST और सेस जोड़ने के बाद 9,64,500 रुपये। दोस्तों अब और टैक्सेस भी लगेंगे, जैसे कि रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन लगाने के बाद आपके पड़ते हैं 68,528 रुपये, और आपकी MCD फीस भी लगेगी दिल्ली में, पार्किंग फीस तो इसके बनते हैं 4,000, इंश्योरेंस में आपको 29,423 पे करने होंगे, फास्टैग के 600 लगते हैं, और इसकी नेट ऑन रोड प्राइस निकल के आती है सभी टैक्सेस को जोड़ने के बाद 10,67,051 की। दोस्तों ऑप्शनल के रूप में अगर आप इसका जीरो डैप प्रीमियम लेंगे तब आपको पे करने होंगे 4,813 रुपये, और हाइपोथिसिकन के 1500 बैठते हैं। दोस्तों ये ऑप्शनल चार्जेस हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैश के बाद फाइनेंस डिटेल के बारे में। तो अगर आप इसकी एक्सोरूम प्राइस की 15% डाउन पेमेंट करते हैं, जो कि बैठती है 1,44,500 रुपये, तो आपका लोन अमाउंट निकल के आता है 8,20,000 रुपये। दोस्तों SBI का अगर आप फाइनेंस का प्लान लेंगे 7 साल का, तो आपकी पर मंथ की किस्त बनती है 12,617 की इस डाउन पेमेंट पर, और अगर आप ICICI बैंक का लेते हैं 5 साल का प्लान, तो आपकी पर मंथ की किस्त बनती है 16,708 की, और अगर आप लेते हैं HDFC बैंक का प्लान 3 साल के लिए, तो आपकी पर मंथ की किस्त बनती है 25,702 की इस डाउन पेमेंट पर। दोस्तों तीन प्लान मैंने आपको बता दिए हैं 1,45,000 के आसपास की डाउन पेमेंट पर, SBI फाइनेंस, ICICI बैंक और HDFC बैंक के। दोस्तों अगर आप इसकी ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आपके बजट के अनुसार मैं आपको फाइनेंस का प्लान सजेस्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों जानकारी है ये दिल्ली की, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, कहीं अदर स्टेट अदर सिटी से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्राइस में फ़र्क होता है दोस्तों हर सिटी हर स्टेट में, क्योंकि टैक्सेस अलग अलग होते हैं। तो अगर आप अपने शहर की सही कीमत जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके शहर की भी सही कीमत बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और किसी भी गाड़ी या बाइक की डिटेल जानना चाहते हैं प्राइस से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करें, उसके लिए भी धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।